विपिन जी कहाँ जाएगा माल ये? सादर गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं ओम यादव और आप देख रहे हैं यादव मार्बल का यूट्यूब चैनल, जिसमें आपको मार्बल और ग्रेनाइट की संपूर्ण जानकारी दी जाती है। दोस्तों आप चैनल पर सब्सक्राइब करें और देखिए संपूर्ण जानकारी, हर टॉपिक का सेपरेट वीडियो है। आज बहुत यूनिक वीडियो लेके आया हूँ और ये आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरह एक्सपोर्ट की जो मार्बल होता है वो किस तरह से लोडिंग पैकिंग और उसकी क्या प्रोसेस होती है दोस्तों, वो मैं बताऊँगा आपको। तो अभी आप देख रहे हैं यादव मार्बल का स्टॉक यार्ड है और वहाँ ट्रेन से आप देख रहे हैं कि किस तरह जो, क्योंकि आप दोस्तों बता दूं आपको कि अगर आप कहीं इंपोर्टेड मार्बल एक्सपोर्ट कर रहे हैं या इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो आपको 100% वुडन पैकिंग में ही जाएगा। माल के अनुसार वुडन पैकिंग होती है, वुडन पैकिंग के बाद ही कंटेनर होता है, यही कंटेनर आपको पोर्ट पे जाके शिपमेंट से आगे अगली नेक्स्ट स्टेशन जहाँ भी इसका होगा जहाँ जाना होगा। दोस्तों ये आप देख रहे हैं रोमानिया, जी हाँ दोस्तों रोमानिया एक देश है, ये ऑर्डर वहाँ का है जो यादव मार्बल ने तैयार किया है। इसकी मैं डिटेल आपको दिखा रहा हूँ, इसकी डिटेल में आपको दिखाऊंगा। आप देख रहे हैं किस तरीके से पैकिंग और लोडिंग हो रही है। तो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह का मटेरियल जो रोमानिया जाता है, रोमानिया मतलब एक्सपोर्ट क्वालिटी कहीं की भी हो, कुछ स्पेशल ऑर्डर होते हैं, कुछ स्पेशल साइज होती है, उसके अनुसार पूरा कटके उसका पॉलिश होके उसका पूरा फाइबर प्लांट होके उसके बाद जाता है। जिस तरह मटेरियल मैं आपको दिखाऊँ दोस्तों, दो ऑर्डर है, एक रेमंड ब्लैक का ऑर्डर है, रेमंड ब्लैक जो बिल्कुल ब्लैक कलर में आएगा, ब्लैक और सलेटी का बहुत शानदार कॉम्बिनेशन है। और दोस्तों पूरी स्लैब होती है, पूरे स्लैब को कट करके उसके साइज अकॉर्डिंग एक ही क्वालिटी का एक ही स्लैब का माल होता है। तो ये जो भी पत्थर आप देख रहे हैं सब एक ही स्लैब के हैं। और ये आप देखेंगे ये है वंडर वाइट, जी हाँ दोस्तों मोस्ट ऑफ जो जिसको सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है, टेबल टॉप से लेकर आपकी हर क्वालिटी में ज़बरदस्त मैनेज खाएगा, वो है आपका वंडर वाइट। जी हाँ दोस्तों इसकी फिनिशिंग और उसकी वाइटनेस बहुत शानदार होती है। ये भी पूरे एक लॉट को लिया गया है, पूरे लॉट को लेके उसी साइज अकॉर्डिंग जो रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग इस तरह से आप देखेंगे ये पूरी कटिंग की जाती है। दोस्तों बहुत लंबा प्रोसेस है, उसके बाद इस तरह इसकी पेटियों में पैक किया जाता है। दोस्तों आप देखेंगे इन पेटियों को अभी थोड़ी देर में हम कंटेनर में उठा के रखेंगे लिफ्ट मशीन द्वारा। तो ये सब आप प्रोसेस में आपको आज दिखा रहा हूँ और इस तरह के देखेंगे पूरे आप पेटियाँ पैक हो रही है और ये जो साइज वगैरह आप देख रहे हैं प्रॉपर दोस्तों पूरा कंटेनर एक ही साइज का है, लगभग आप मान के चलिए लगभग 7000 स्क्वायर फीट जो मटेरियल है वो जाने वाला आज इस कंटेनर में। आप देखेंगे कुछ पेटियों में है और कुछ जो आगे जहां क्रेन हाइड्रोलिक जो मशीन होती है वो बहुत, तो कंटेनर पूरा 40 फीट लंबा है, क्वांटिटी ज़्यादा है इसलिए कंटेनर लंबा लिया। अब लंबे में जहाँ पीछे का बैग है वहाँ नहीं जा सकता, उसके लिए जो पेटियाँ अंदर ही पैक होगी, कुछ पेटियाँ बाहर होती है जो पीछे रखी जा सकती है, जो अंदर रखी जाएगी वो पेटियां अंदर जैसे पैक होगी आप देखेंगे ये खाली पेटी हो, इस खाली पेटी को ही अंदर शिफ्ट किया गया है और मैं अंदर आपको दिखाता हूं। तो मैं आपको कंटेनर बताऊंगा, ये पूरा 40 फीट लंबा, जी हाँ आप देखेंगे पूरा, आप देखेंगे कंटेनर यहाँ तक क्रेन आ सकती है, हाइड्रोलिक क्रेन की जो लंबाई होगी वो लगभग 30 फुट के आसपास तक उसका पंप निकल के और वो यहाँ रखी जाएगी। इससे आगे रखना है इसके लिए यहाँ पेटियां जमाई गई है और आप ये देखिए जो पैक पेटी हो चुकी है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मैं थोड़ा सा लाइट जला दूँ क्योंकि पीछे अंधेरा है। इस तरह से पूरी थर्माकोल की शीट है उसको बराबर पेटी के अंदर बिछाया गया है और ये छोटे छोटे पीस है, ये पीस जो मैंने आपको नीचे दिखाया ये आपको डबल डेकर में भरे गए हैं, नीचे एक लाइन है और सेकेंडली एक लाइन है, तो पूरी पेटी में इस तरह से भरे गए हैं। ये थर्माकोल शीट है, ये पैकिंग की रस्सियाँ हैं जो बिल्कुल उसको हिलने नहीं देगी। दोस्तों हिलने से मार्बल का नुकसान होता है, तो कभी भी आप परचेस करें या लोडिंग करें तो आप जरूर ध्यान रखें कि कहीं भी इसकी लूजिंग नहीं रहनी चाहिए, फिटिंग बराबर होनी चाहिए। तो सब मशीनों से ऐसे थर्माकोल शीट से पूरा भरा जाता है। ये सप्लायर के यहाँ से आए हुए हैं, सर क्या नाम है आपका? विपिन जी। कहाँ जाएगा माल ये? जाएगा रोमानिया। रोमानिया, रोमानिया से ये जो सप्लायर है रोमानिया के, ये उनके वहां से आए हुए और ये पूरी पैकिंग वगैरह चेक करते हैं। तो इस तरह से एक्सपर्ट बंदे आते हैं और बिल्कुल पैकिंग चेक करने के बाद ही कंटेनर रिलीज होता है। तो ये सब हम बता रहे हैं आपको पूरी प्रोसेस, अब मैं आपको बताऊंगा किस तरह से ट्रेन से भरा जाएगा और किस तरह से पूरी प्रोसेस होगी, ये मैं आपको आगे। I've been flying from town to town.
तो आपने देखा कि किस तरह मैंने प्रोसेस बताई, किस तरह से पूरा कंटेनर वुडन में पैकिंग होता है, बहुत प्रॉपर पैकिंग होती है और इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा जाता है, क्या क्वालिटी होता है, पैकिंग होता है। आप दोस्तों इस तरह से आप देखेंगे ये बड़े साइज आपको जो है इस तरह से देखेंगे, इसका बड़ा साइज पूरी वुडन पैकिंग। आप ये मानिए कि ये हिलेगा नहीं, आप किसी भी कोशिश कर लीजिए ये कंटेनर जहाज में ऐसे और ऐसे होगा तो उसके लिए ये सपोर्ट लगाए जाते हैं, व्यवस्था की जाती है, कहीं से भी हिले नहीं, ये हिलने से टूट सकता है। तो आप देखेंगे किस तरह से पूरी पूरी पैसेंजर नीचे वुडन जो है बॉक्स को एकदम पूरा पैक किया है। और ये जो आप देख रहे हैं ये लगभग 70 mm का पीस है, 70 mm आपने कभी देखा नहीं होगा किसी वीडियो में, मैं आपको पहली बार दिखा रहा हूँ 70 mm का पीस कैसे लगता है। और ये इससे भी बड़ा पीस आप देखेंगे तो ये कुछ 100 mm का ये लगभग पेट्रोल है। तो आप देखेंगे ये बहुत यूनिक और बहुत स्पेशल ऑर्डर पर जाते हैं जो यादव मार्बल फुलफिल करता है। आप जो अगर आपको एक्सपोर्ट करना है कोई भी ऑर्डर हो तो आप यादव मॉल के जो नंबर लिखे हैं उस पर आप संपर्क करें ताकि हम आपको फुलफिल कर सके, उसकी एक्सपोर्ट करने की, उसकी पैकिंग करने की सारी प्रोसेस करने की गारंटी यादव मार्बल में दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपको बताया किस तरह एक्सपोर्ट की प्रोसेस होती है, किस तरह से उसकी पैकिंग लोडिंग होती है, तो आप निश्चिंत होकर एक्सपोर्ट का ऑर्डर दे सकते हैं यादव मार्बल में। और कोई आपको कंफ्यूजन है तो आप नीचे नए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, उसके बाद आपकी फिर इंक्वायरी और क्वेरी पूरी की जाएगी। दोस्तों वंदे मातरम, ओम यादव यादव माता।